हेलो, वेलकम टू द गुड फूडी। तो वीकेंड के मस्त मस्त पराठे के बाद मैंने आज एक बहुत ही हेल्दी एंड लाइट सा लंच बनाया यूजिंग मिलेट्स। तो मैंने एक कप मिलेट ले लिया एंड अच्छे से धो के फ्रेश वाटर डाल के 5-6 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैंने फॉक्सटेल मिलेट लिया है, जिसे हम लिटिल मिलेट या सेमाई मिलेट भी बोलते हैं। वैसे मैं पहले मिलेट्स बिल्कुल नहीं खाती थी, लेकिन रिसेंटली मैंने अपने डाइट में ऐड किया है बिकॉज ऑफ इट्स न्यूमरस बेनिफिट्स एंड दे आर रियली गुड। काफ़ी लाइट होता है एंड बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। सो या तो 6 घंटे बाद जब मिलेट्स अच्छे से भीग गए, मैंने सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डाल के पीनट्स को अच्छे से रोस्ट कर लिया। देन मैंने ऐड किया थोड़ा सा काजू एंड उसे भी अच्छे से रोस्ट कर लिया। देन एक पैन में ये भीगा हुआ मिलेट ले लिया मैंने एंड उसमें डाला डबल पानी, जैसे 1 कप मिलेट के लिए 2 कप पानी, और साथ में ऐड किया नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा घी। देन इसे अराउंड 15 मिनट्स के लिए मैंने बॉईल कर लिया। अब एक पैन में मैंने ऐड किया थोड़ा सा घी और उसमें डाला राई, सूखी मिर्च और कड़ी पत्ते का तड़का। साथ में ऐड किया 1-1 चम्मच उड़द दाल एंड चना दाल। दाल से एक बहुत ही अच्छा सा नटी फ्लेवर आता है। दाल थोड़ा रोस्ट होने पे मैंने ऐड किया थोड़ा ग्रेटेड जिंजर एंड हल्दी एंड थोड़ी देर के लिए कुक कर लिया। साथ में डाला थोड़ा सा चॉप्ड ग्रीन चिली। फाइनली मैंने ऐड किया अपना बॉइल्ड मिलेट और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया। फाइनली फ्लेम को ऑफ करके डाला मैंने थोड़ा सा फ्रेशली चॉप्ड कड़ी पत्ता, आधे नींबू का रस, रोस्टेड पीनट्स एंड गिव इट अ फाइनल मिक्स। हम जनरली न्यू चीजों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाहते, बट वंस वी टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टार्ट डूइंग इट, उतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है। जैसे ये मिलेट्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना, इट टेस्ट क्वाइट डिफरेंट देन रेगुलर राइस बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज मिलेट, बट या आई एंजॉयड दिस सिंपल एंड हेल्दी मील। अब आप भी बनाओ और मस्त मजे लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।